अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज पता है ना कि अब ब्लॉग आने वाला है लेट, तो अब ब्लॉग हमारे शाम को ही शुरू होते हैं। और आज तो स्पेशल डे है, बिकॉज 4 तारीख स्टार्ट हो गई है, 12 बजने वाले हैं। मेरे बेटे का बर्थडे 4 तारीख को है, और मेरा बर्थडे, मेरा बेटा मतलब कौन, पता है ना। ऐसे आजकल तो यूट्यूब पे भी चर्चे चलने लगे हैं कि मेरा सबसे करीबी बेटा एक ही है, लेकिन वैसे लोगों की सोचने की थिंकिंग है, पर मेरे तो दोनों जान है, दोनों कंधे हैं, दोनों दिल जिगर है मेरे। और आज मेरे अमीन का बर्थडे है, और उसके दोस्त लोग, मैं तो सो गई थी, मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि अमीन चला गया है तरावे पढ़ने, और मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी। मैं तरावी नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं तो सो गई थी थक कर मारे। तो ये इनके सारे दोस्त लोगों ने उसकी पता नहीं क्या क्या तैयारी की, और बेचारी दो बच्चियों को फंसा कर चले गए, सारे लड़के कमीने बदमाश जाके नीचे उसका वेट कर रहे हैं, और ये दोनों बच्चियों को यहाँ पे छोड़ दिए काम करने में। बताओ क्या काम कर रही है ये बच्चियाँ। देखो मैं बताती हूँ, ये बच्चियाँ मेरी इतने, ये देखो बाप रे, ये देखो। हाय अर्ची, हाय जी, हाय। ये देखो ये मेरे बच्चियों ने, बेचारे ने सब ये सब तैयारी करी, मैं भी सो गई थी, मैंने तो कोई हेल्प नहीं किया इन लोगों की, ये लोग ही कर रहे हैं। और वो सब जो लड़के लोग हैं वो गए हैं, अमीन नमाज से आएगा तो हम लोग उसको वहीं पकड़ लेकर आएंगे, है ना, तुम लोग का यही प्लान है। अभी मैं जस्ट उठी हूँ, और मैंने कहा था कि मेरे बर्थडे का जो आज डे है मैं लाइव आऊंगी और आप सबके साथ मैं बनाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अमीन के दोस्त लोग इतनी खुशियाँ देंगे और मेरे घर में इतनी खुशियाँ होगी। देखो मुझे बेल की आवाज है, ऐसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया था। हाय बेबी, वालेकुम अस्सलाम, हाय बेबी। ये सब क्या है? ये तेरे, ये देखे देख, इन लोग के देख, इन लोग कब से बिचारे बच्चियों लोग को सब चालू है, भी नीचे रुके कब से आने नहीं देते मेरे को। हाँ वो लोग यही बोलकर इन लोग को गए, लगता के ना तुम, हम लोग उसको लेके आ रहे, मतलब थक गए वो लोग फुला फुला के। आ जाओ आ जाओ इधर आओ, बर्थडे, ओ बर्थडे बॉय इधर तो आओ। बापरे कितनी तेरी दोस्त लोग, देख तेरे लिए कितना अच्छा सब रेडी कर रहे, देख है ना। और चल जल्दी से मुझे लाइव चालू कर, जो मेरे मेरी फैमिली कहने को वही लोग हैं और तो कोई है नहीं मुझे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा तेरे दोस्त लोगों ने इतनी अच्छा सब। मैं भी सरप्राइज हो गया, मैं खुद सरप्राइज हो गई, नमाज पढ़ के अंदर ही सो गई थी, मुझे खुद को भी नहीं पता है। चलो अभी थोड़ा देर लाइव चालू करो और फिर सबके साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और वो आज पता ही नहीं चला रोजा कैसा गया, वही हम लोग आज बात कर रहे थे। आज तो हम लोग थोड़ा शॉपिंग भी करने गए थे घर के सामान। पक्का 21 लाख पढ़नी चाहिए, और नहीं मारे तो तुम लोग समझ जाना सोसाइटी में एंट्री बंद तुम लोग। अब कौन मारेगा इसको 21 लाख? पढ़ा पढ़ा 21 लाख जल्दी से पढ़ा। ये दुबई झील मारेगी, झील झील ऑलवेज रेडी टू ओ बलून बलून फैन ऑन उड़ रहे फैन ऑफ कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा ना। अभी एक एक सबसे शरीफ लड़के को मैं आपसे मिलाती हूँ जी। लाल पठान ये पठान है मेरा लाल, इसको मारो 21 लाख। चलो तुम लोग एंजॉय करो, अब मेरा ब्लॉग यहीं पे बंद करूंगी, मैं बाद में कनेक्ट करूंगी, तुम लोग सब मस्त एंजॉय करो। अर्ची थैंक यू बेटा, चलो आप आ जाओ ज्वाइन हो जाओ। ओके आ जाओ अभी झील ने पकड़ा है, तो थैंक यू सब लोगों का। देखो अभी हम लोग सब फोटो निकालने वाले ना। थैंक यू झील, मेरा बेबी भाई का बर्थडे है ना अमित।
चलो आप लोग अभी एंजॉय करो, मेरे बलून कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो तो। आमीन, इतना अच्छा बेटा देने के लिए। इतनी अच्छी मम्मा देने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा सबसे अच्छा बेटा उधर खड़ा है, पठान खड़ा है, सबसे अच्छा बेटा। मेरी बहू से मिलाती हूँ। बहू है, अभी अभी तो 3 बजे रात को ही काम करता है। और मैंने इसको पूछा परसों कि तू कैसे करेगा, अमीन तो इतना बिल्डर है, तू जान जेल लूंगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम। अब वापस आज अभी रमजान के जितने भी ब्लॉग के आपको 2 बारी सलाम मिलने वाले, क्योंकि ये मॉर्निंग का जब स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली मुंह से सलाम निकल ही जाता है। पीछे मैं खास ये आपको दिखाना चाहती थी, इसकी ऐसे पकड़ के चालू की हूँ मैं कैमरा, देख रहे हो पीछे, कि बोलने की जरूरत है, दिख गया ना बलून, इतने बलून किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना पीछे, ये एंट्रेंस है जहाँ से बाहर से इंसान आए, तो वो सिर्फ बलून ही बलून है वहाँ पे। और ये देखो मेरा बेटा, मेरा बर्थडे बॉय, हाँ खाना खा रहा है तो इसीलिए सलाम नहीं कर रहा। तो ये अब हमारी हो रही है सहरी, और वही से मस्का बुरुन और चाय, चाय में बना दी हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए अब हम लोग पहले से जल्दी से ये सब चीज़ों से फारिग हो जाते, फिर अब है थोड़ा टाइम नमाज के पहले, थोड़ा सा गुफ्तगु करने का टाइम है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी पहले फारिग हो जाइए, हम लोग भी फारिग होते हैं, और फिर इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। और शुक्रिया, जजाक अल्लाह मेरे बच्चों को, इतना आपने मेरे बच्चे को इतना लाइफ में प्यार देने के लिए और इतनी अच्छी दुआ देने के लिए, शुक्रिया। अरे बाप रे, हम लोग तो पोज दे रहे थे फोटो का, ये क्या है? अरे भाई साहब, रात से अभी तक इनकी पार्टी ही चल रही थी, अब जाके इसे ड्रेस चेंज कर आया, जैसे कि आपने देखा ही होगा खाते वक्त वही ड्रेस पे था, फटाफट टाइम हो रहा था। और मेरे बच्चे का आज पहला पेपर है ना, एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, और रात भर का सोया नहीं है, रात भर की इसकी मस्ती चिल वाली मस्ती है दोस्तों के साथ, बर्थडे वाली। और मेरा गिफ्ट उधार रहा, ये गवाही आप लोगों, क्योंकि ये ब्लॉग में मैं बोल रही हूँ तो ये ब्लॉग मेरा हमेशा के लिए मेरे चैनल पे ब्लॉक हो जाएगा, तो इसमें ये कभी भी ये बता सकता है कि आपका गिफ्ट उधार है। नहीं, नहीं। तो ये जब मैं इसको गिफ्ट दूंगी तो वो भी ब्लॉग के जरिए आपको बताऊंगी कि आज मेरा ये गिफ्ट कम्प्लीट हो रहा है, पर अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग। तो चलिए अभी तो नमाज का टाइम हो चुका है, अब जाएंगे नमाज पढ़ने, और मैं शायद सो जाऊंगी, और अमीन भाई अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, और उनके दोस्त भी आ चुके हैं ताकि ये बच्चा सो नहीं जावे, छोटा बच्चा रात ही को पैदा हुआ है तो कहीं सो नहीं जावे, है ना पांडे? 4 बजे। चलो फिर इंशाल्लाह सुबह नींद से जब जगे तब सवेरा तब मुलाकात होगी। क्या कर रहा है आज? ये देखो पूरे घर में बलून, पूरे घर में बलून। और देखो सुबह उठ के बड़बड़ कर रही, तो बोलता रुको रुको अभी आपको रास्ता निकाल के देता। ये देखो बेडरूम के, किचन के और बाथरूम के तीनों फोड़ कर आया ना, अभी इसके पीछे भी आपको लग रहे हैं ना, पीछे देखो अमीन जरा तो साइड्स करो, बहुत सारे ये देखो सारे बलून है, फोड़ो फटफट फोड़ो। इनकी टॉवल दे, ये देखो मेरे पीनू और चीनट भी आज नहा लिए, और घर में देखो कचरा देखो, ये सब अमीन ने जो बलून फोड़े हैं ना, अभी तक लक्ष्मी आई नहीं है, अभी हम जाके बाजार लेकर आए, जोहर की नमाज के बाद सारी चीजें रखी हूँ, और मैं नहाने गई आज, पता नहीं अब दोनों को क्या सूझा, मेरे पीछे पीछे आ गए, तो दोनों भागते रहते, तो मैंने बोला चलो आज इनको नहाने का मूड है लगता, तो निरा लिया मैंने। अब आज मैं क्या बनाने वाली हूँ चलो वो भी शेयर करेंगे, और थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि रमजान है तो रमजान के लिए कुछ ऐसी बात होगी नहीं इंशाल्लाह, सब दिमाग में तो रहेगा। और आज मैं ना पता आपको होटल जा रही थी, क्योंकि अमीन का बर्थडे आपको सबको पता है, तो मैंने बोला चलो आज दस्तरखान में खाना खाते हैं, तो अमीन ने क्या बोला पता है, कि नहीं मम्मी रात को अमीन भाई तबीयत ठीक नहीं थी, बिना सहरी के भाई रोजा रखे तो नहीं आज नहीं जाते। तो ये होती फैमिली की ताकत, लोगों को क्या बोलते हैं ताकि मेरे को टोल करते हैं कि टू करते हैं कि मैं कुछ बोलूं, और अगेन लाइक्स फॉलोवर्स अर्निंग समथिंग, लेकिन मैं थोड़ी पागल हूँ किसी के लिए भी बोल दूंगी, वो तो मेरे हस्बैंड है, मेरी जान है, मैं उनके लिए
मरते दम तक बोलूंगी, अगर वो मुझे छोड़ दिए तब भी बोलूंगी, बिकॉज एक बार नाम लिख गया जिंदगी में तो लिख गया है ना। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, इंजॉय करो। और मेरे तरफ से आपको शायद फॉलोअर्स अर्निंग कुछ नहीं मिलने वाली बिंदास, और मेरी फैमिली की ताकत आप बताते हो, आप क्या बताओगे? मेरी फैमिली की ताकत ये होती है, मेरे बच्चे का बर्थडे है और मैं टेबल बुक कर रही, मेरा बच्चे ने कहा भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं जाना है, ये होती है फैमिली की ताकत। अंडरस्टैंड? चलिए, कुकिंग थोड़ा शुरू कर रही थी, सारे मसाले ढूंढ रही थी कौन सा मसाला ऐड करूं, क्योंकि मैं स्पेशल कुछ कुकिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, और सबसे प्लस बात ये रहती है कि मैं अकेले रहती हूँ और मैं बहुत इजी काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी जो घर की बहनें होती है वो पूरी फैमिली से घिरी हुई होती है, तो मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल होता है अगर आप बाहर काम नहीं करते और एक बड़ी फैमिली में रहते हो, तो आपको कितनी चीज़ों का प्रिपेयर करना रहता है वो मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा इजी कुकिंग में बिलीव करती हूँ और इजी कुकिंग देती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कुकिंग में? टेस्ट, तो वो तो आता ही है। तो चलिए फिर आज ये देखिए इतने ढेर सारे मसाले और बहुत सारे अंदर मसाले ढूंढ ढूंढ के अभी फिलहाल दो मसाले सिलेक्ट करी हूँ। तो अभी ड्रमस्टिक है, आप हमेशा ड्रमस्टिक देखे होगी कि मसाले मैरिनेट करके बनाया जाता है, फ्राई हो या फिर उसको सोटे करते हो या फिर जैसे कि ग्रिल करते हो। तो मैं आज आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाने वाली, हमको क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए ना। तो टेस्ट के लिए हमको जो अच्छा लगे हमें वो करना चाहिए और झटपट करना चाहिए, और रमजान है तो और ज्यादा जल्दी। तो चलिए अभी मैं पहले तो आपको दिखाती हूँ, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हो कि ये देखिए यहाँ पे जो है मेरा ये थोड़ा सा मैंने आधा ग्लास पानी रखी हूँ, और इसी के साथ साथ अभी मैं क्या क्या मसाले इसके अंदर ऐड करने वाली वो आपको दिखाऊंगी। आप इसके अंदर छोड़िए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आपकी आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना, आपके पास चिकन है उसके साथ साथ तंदूरी चिकन मसाला हर कोई भी कंपनी चलेगा, बट आपको सिर्फ मसाले चाहिए। ये है उसका तंदूरी चिकन मसाला, और उसके साथ साथ जो घर में बना हुआ गरम मसाला होता है वो ज़रूर डालिए, बिकॉज वो ही ज़्यादा टेस्ट देता है जो हमारे घर के मसाले होते हैं। ये घर के मसाले हैं हमारे, और इसके साथ साथ मैं दो कंपनी का मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा ऐसे भी ले लीजिए। ये जैसे कि चिकन टिक्का मसाला एंड तंदूरी मसाला, ये दो मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने पहले डाल दिया है चिकन तंदूरी मसाला, अब मैं डाल रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, और इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ले लीजिए टेस्ट के अनुसार। ये रहा हमारा सॉल्ट, और इसके बाद आप इसको अच्छे से थोड़ा सा चला लीजिए। जैसे हम मसाले में मैरिनेट करते हैं उसी तरीके से ये हो गया। अब थोड़ा सा आप इसको कर लीजिए गैस को स्लो, यस, और अब आप इसको अंदर छोड़ेंगे ड्रमस्टिक, एक एक करके आप छोड़िए। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमको इसके अंदर ये मसाले भी ऐड करने हैं और ड्रमस्टिक को थोड़े से सॉफ्ट करने हैं हमको। तो अगर आप कच्चा मसाला जब यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप ड्रमस्टिक के जो चिकन होता है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है फ्राई करने के टाइम। इस तरीके से आप करोगे तो जैसे कि आप KFC है, बहुत सी जगह मैकडोनल्ड है आपके, आप देखते हो वहाँ पे जूसी चिकन होता है और टेस्ट होता है अंदर, ये उसी तरीके का प्रोसेस है। तो मैं तो करते ही रहती हूँ, मैंने सोचा कि चलिए आज या रमजान के तौर पे आप लोगों के साथ भी शेयर कर। देखिए जैसे आपको देख के ही लग रहा है ये कि सारे मसाले इसके अंदर कोट कर रहे हैं, और अब जब स्लो, अभी ये एकदम बिल्कुल स्लो आँच है, सिर्फ हमको पहले कोट करना है और इसके बाद थोड़ा सा हमको इसकी आँच फास्ट करनी है। और चिकन तो आपको पता है कि अपना पानी थोड़ा छोड़ेगा ही, तो बस उसी के साथ में हमको चिकन को थोड़ा सॉफ्ट करना है। उसके आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हमको अभी थोड़ा सा एक भाप चिकन लेना है बिकॉज चिकन को हमको नरम करना है। आप मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल, और ब्रेड रोल तो आपने बहुत तरीके के देखेंगे क्योंकि ये रमजान स्पेशली रहता है सब चीजें, बट फिर से मैंने बताया ना आपको जो इजी है मैं वही काम चुनती हूँ, टेस्ट में टेस्ट को मैटर करती हूँ, बाकी दिखावे को और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो इसके लिए तो सीधी सी बात है कि अगर ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड तो लगने ही वाला, ये ब्रेड है और हाथ का कुटा हुआ चिकन का कीमा है। तो मैं इसको आप बताती हूँ आपको इसको और किस तरीके से बारीक करना हो, तो आपको सबको ही आता होगा। और उसी के साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट होगा, घर का बना हुआ गर्म मसाला होगा, और ये देखिए शामी कबाब वाला मसाला आप थोड़ा सा ले लीजिए, अगर आपको कोई दूसरा टेस्ट चाहिए तो वो भी ले सकते हो। और इसी के साथ हमारी लंबी लंबी कटी हुई प्याज होगी, और सबसे बड़ी बात जो सुबह मेरा बेटा बुरुन पाव और मस्का खाता है ना,
ये उसके बच्चे में पाव है, तो मैंने इसका ही ब्रेड क्रम्ब बनाई हूँ। मैं कोई भी चीज वेस्ट करना पसंद नहीं करती। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसको बारीक कर सकते हो। मैं इसी में बारीक करती हूँ हमेशा कीमे को। बस इस तरीके से आप ले लीजिए और इसको प्रोसेस कर लीजिए ऐसे। ये देखिए एक कीमा पूरा हो गया हमारा। अब इसके अंदर आपको अगर ग्रीन चिल्ली वाला मसाला मिक्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर रेड चिल्ली वाला करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। बस मैं आपको मेरे हिसाब से जो मैं बना रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। तो मैंने जो सीख कबाब वाला मसाला है इसको लिया है इसके अंदर। ये सारे अपने मसाले इसके अंदर सारे डालने वाली हूँ। और चलिए इसी के साथ साथ बहुत सारी प्याज, कच्ची प्याज, और इसी के साथ फिर से घर का बना हुआ गरम मसाला, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये लीजिए थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें इसको हाथ से ही मैरिनेट करना है तो इसीलिए मैं अपना हाथ यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ले लीजिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल हमको इसको सॉटे करना है। इसके ये जो एकदम सूखा होगा इसी को हमको ब्रेड के अंदर फील करना है। तो अभी आप इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी और थोड़े से बाकी हरा धनिया डालना बाकी है इसके अंदर। बस आप हरा धनिया भी इसमें डाल लीजिए और इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा हरा धनिया बचा के रखा है मैंने ड्रम स्टिक के लिए, क्योंकि अब तक मैंने ड्रम स्टिक को देखी नहीं हूँ। चलिए अब एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। चलिए माशाल्लाह ये पानी अपने आप छोड़ा है, ये चिकन का पानी है। तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे डाल लीजिए और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्याज चना भी मैं आपको थोड़ा अलग बताने वाली हूँ। तो फिलहाल तो अभी मैंने इसमें ये जो भीगे हुए चने हैं उसको ले ली हूँ। इसी के अंदर आप कच्चे टमाटर लंबे लंबे और प्याज ये सब इसी के अंदर आप ले लीजिए। और इसी के साथ साथ अदरक लहसुन का एक स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, एंड आपके टेस्ट के हिसाब से रेड चिली। मैं थोड़ा कम खाती हूँ तो थोड़ा कम लूँगी। और घर का बना हुआ गरम मसाला और टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट, ये सबको आपको बॉईल करना है एक साथ। ब्रेड रोल बनानी है तो आपको बताइए सारा मसाला ये कैसे मिक्स करी हूँ मैं। तो आप इसको कच्चा ही इस कढ़ाई के अंदर डालिए, और इसके अंदर जो हम फ्राई करते हैं, जो हमेशा डेली का फ्राई करती हुई चीज़ का ऑयल जो रहता है टेस्ट वाला ऑयल, वो ऑयल आपको इसको ऊपर से छोड़ना है। कच्चा वाला ऑयल मत छोड़िए, जो हमारे पास फ्राई किया हुआ ऑयल कोई भी टेस्ट का हो आप वो ऑयल इसके ऊपर ऐसे छोड़ दीजिए। और इसी में आपको इसको सॉटे करना है। आप इसके अंदर ऐसे इसको चलाते रहिए और फटाफट ये भून जाएगा। जो इसका पानी है वो उतना ही छोड़ेगा, दूसरा पानी कुछ हमको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमको इसके अंदर से भून के कच्चापन निकालना है और मैरिनेट पूरा रेडी करना है। स्पेशल बर्थडे के दिन ही आज नया कुकर यूज़ हो रहा है भाई हमारा, जो हमने कल ही खरीदे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जो चिकन मैंने डाली थी, आपको लग रहा होगा कि वो तो कढ़ाई में चिपक जाएगा, तो चिपकता नहीं है जब हम स्लो आंच करके छोड़ते हैं तो। और ये देखिए अब इसका ये पानी छोड़ने लगा, इसी में हमको अच्छे से सारी चीज़ें सॉटे करना है। ब्रेड के जो साइड में ये कड़कपन होता है इसको आप अच्छे से कटिंग करके इसको सॉफ्ट वाला ले लीजिए। ये देखिए मैं जो आपके सामने सारा चने के अंदर मसाला मिक्स करके चढ़ाई थी, अब मैंने ढक्कन खोल दी और चना चेक किया तो सॉफ्ट हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने अब धनिया डाली हूँ, बस आप इसको अब थोड़ा सा ऐसा मिक्स करना है और एक 5 मिनट चला कर आप इसको बंद कर दीजिए। आपका चने अगर नरम हो गए तो ये हो गया हमारा रेडी। पर ये ऐसे नहीं खाया जाता है, इसके साथ कुछ और ऐड किया जाता है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और इसी के साथ साथ जो ब्रेड में हमको भरने वाला जो मसाला मैं रेडी कर रही थी, माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुका है पूरा। अब इसको ठंडा करना है और उसके बाद हमको ब्रेड रोल बनाने हैं। इतनी मेहनत कर रहे ना हम लोग के लिए आप। हाँ, और मैं पहली बार बना रही हूँ ये रोल, लेकिन माशाल्लाह अच्छे बने, क्योंकि हमेशा रेडीमेड ज़्यादा अपन लेकर आ जाते हैं। और ये देखिए पानी में मैंने सोक कर ली इसको, और आपको तो पता ही है यार सब लोग, मैं पहली बार बना रही, बट आप लोग तो बनाते ही होंगे ना, तो माशाल्लाह मेरे भी लेकिन अच्छे खासे बन गए। ये देखिए
ऑलरेडी मैंने दो बनाकर रखी हूँ। मैं डर रही थी कि कहीं टूटे नहीं, मैंने बोले पहले ट्राई करूंगी उसके बाद आपके साथ ये सब चीजें शेयर करूंगी। बिकॉज मुझे मैसेज जो आते हैं बच्चों के, जो यंग बच्चे होते हैं, कि बहुत इजी कुकिंग होती है, आपकी कुकिंग हम लोग ट्राई करते रहते हैं, इजी है बना। ब्रेड क्रम बनाए थे हम लोग, अब उसकी लास्ट ये प्रोसेस है। इसके बाद एक लास्ट होगा जो हम डीप फ्राई करने वाले हैं। ब्रेड क्रम को आप ड्रम स्टिक के ऊपर अच्छे से कोट कर लीजिए जितना हो सकता है उतना, और उसके बाद हमको डीप फ्राई करना है, शैलो नहीं, डीप फ्राई करना है। और उसके बाद मुझे जल्दी से आज 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले दस्तरखान पे बैठ के मुझे आज तस्बीह पढ़नी है, और अल्लाह पाक से बहुत जोर जबरदस्ती करके खुद दुआ मांगनी है अल्लाह पाक से, आप समझते हो। चलिए लास्ट हमारी बारी तैयार हो गई, और मेरे को लगता है मेरी कढ़ाई छोटी है, मेरे ड्रम स्टिक पीस बहुत सारे हैं, हम दूसरी बार फिर डालेंगे। चलिए पहला हमारा ड्रम स्टिक निकल गया, बिस्मिल्लाह। चलिए अब हमारे ब्रेड रोल जो है वो फ्राई हो रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 फ्राई कर ले ली हूँ, और देखिए यहाँ पे रखे हुए, और दूसरे अब डाल रही हूँ। माशाल्लाह दस्तरखान पूरा लग चुका है, और जो भी बनाई हूँ वो आपके साथ शेयर करी हूँ। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, जब मेरा ब्लॉग आएगा तो प्लीज़ मेरे बच्चे को दुआ दीजिए। और मेरा बड़ा वाला बेटा अली आज बिना सहरी का रोज़ा रखा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी रात से, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ा, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और दस्तरखान पूरा लगाने के बाद जब हम दिन भर के भूखे प्यासे होते हैं, और दस्तरखान के पास बैठ के जो भी पढ़ सके तस्बीह पढ़िए, जो भी आप पढ़ सकते वो पढ़िए, और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, आपकी अल्लाह कभी दुआ कबूल नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप दिन भर के भूखे प्यासे और रिज़्क आपके सामने है, और उसको आप दे उसको छोड़ के आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तो अल्लाह पाक ज़्यादा बहुत पसंद करते। और एक तहज्जुद, जब आप मीठी नींद छोड़ के अपनी अल्लाह की इबादत के लिए उठते हो तो अल्लाह पाक जो चीज़ें बहुत पसंद करते। और ख़ास यहाँ बैठ के ये चीज़ जो पढ़ने की है, ये मुझे अयूब ने सिखाए थे कि दस्तरखान गोरी जल्दी लगा के 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले बैठ के दरूद शरीफ पढ़ा करो, या जो भी पढ़ा करो, पढ़ के दुआ करके फिर रोज़ा करो, तो अल्लाह हमारी ये दुआ कभी मतलब ना पसंद ना कबूल करते ही नहीं है। तो अयूब आप तो चले गए, लेकिन आपकी बातें ज़िंदगी में रह गई, और ऐसा ही होता है, आप बात को समझो, इंसान चला जाता है ज़िंदगी से, पर उनकी अच्छी बुरी बातें हमारी ज़िंदगी में रह जाती है, यही अहमियत होती है बातों की। तो चलिए फिर रोज़ा तो हो गया टाइम, और आप लोग भी रोज़ा खोल लीजिए। और कहा सुना माँ, मेरी आदत है हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेरे बात के ज़रिए, मेरे बिहेव के ज़रिए, मेरे कुछ ऐसे दिखाने के ज़रिए अगर आप लोगों का दिल दुखता हो, आपको मुझसे कुछ ऐसी लगा कि मेरे से गलती हुई है, तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ बस, और क्या बोलूँ, कुछ बोलूँ, कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़।